हेलो एवरीवन, आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो अभी एक चर्चा में चल रहा है कि चीन ने अपना खुद का सूर्य बनाया है, सन बनाया है। ये जो चीन ने अपना सन बनाया है वो है क्या एक्चुअली? चीन ने जो सन बनाया है अपना आर्टिफिशियल सन तैयार किया चीन ने, जिसका नाम रखा ईस्ट। ये ईस्ट क्या है? चीन है, चीन कुछ भी कर सकता है। तो चीन ने अपना खुद का सन तैयार किया एक ईस्ट नाम से। अब बताते हैं इसके बारे में। देखो क्या है, ये पूरी बात बताऊंगा वीडियो में। यह एक नाभिकीय रिएक्टर है। ये अपना जो सन है उसी की तरह कोई सन नहीं है, एक ये नाभिकीय रिएक्टर है जो अपना नेचुरल सन है उसकी तरह नहीं है, लेकिन उस अपने जो नेचुरल सन में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे 10 गुना ज़्यादा उन्होंने ऊर्जा उत्पन्न किया एक नाभिकीय रिएक्टर के अंदर। यह एक नाभिकीय रिएक्टर है। यह रिएक्टर उन्नत नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया पर आधारित प्रयोगात्मक अनुसंधान उपकरण है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन की प्रोसेस पर आधारित ये रिएक्टर है। अपना जो नेचुरल सन है उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस ही होती है, इसलिए इसे कृत्रिम सूर्य कहा गया। मतलब इसे आर्टिफिशियल एक तरह से सन कहा गया है, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रोसेस सन है उसी के अनुसार है। इसके अंदर उससे भी सूर्य का जो कोर का टेम्परेचर होता है उससे उन्होंने 10 गुना ज़्यादा टेम्परेचर सॉरी एनर्जी प्रोड्यूस की है उस रिएक्टर के अंदर। इस रिएक्टर की ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया यानी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। मतलब नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है और इसी में भी नाभिकीय संलयन की प्रोसेस से उन्होंने ऊर्जा उत्पन्न की है। अब नेक्स्ट देखिए, यह रिएक्टर चीन के हेपेई में विज्ञान अकादमी के प्लाज्मा भौतिकी संस्थान में स्थित है। हेपेई शहर के विज्ञान अकादमी के प्लाज्मा भौतिक संस्थान में स्थित है। ईस्ट रिएक्टर का ऑपरेशन पहली बार 2006 में शुरू हुआ था। यह सन बनाने का कार्य 2006 में शुरू किया था चीन ने। अब देखिए, ये वो है सन एक तरह से। अब देखिए इसके अंदर ये पूरा रिएक्टर है, ये रिएक्टर है इसके अंदर जो लैब के अंदर है। इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस इन हेफेई। ये वो रिएक्टर है जिसका नाम ईस्ट रखा गया है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की है चीन ने, और ये काम करने का श्रेय किसको दिया है, कौन जा किसको जाता है? देखो ये हैं वो जिनका नाम है ली म्याओ। देखिए इनका नाम भी अजीब ही है। तो ली म्याओ है, ये वो जो संस्था है उसके डायरेक्टर हैं। उनकी सानिध्य में इनकी टीम ने मिलकर ये आर्टिफिशियल सन तैयार किया है। अब आगे देखिए, अब देखो ये सबसे पहली बात, ये चर्चा में क्यों है? ये जो ईस्ट सन है ये चर्चा में क्यों है, इसका क्या कारण है? चीन के कृत्रिम सूर्य जो आर्टिफिशियल सन है इसने क्या किया है? देखो इसने कितना टेम्परेचर, कितना इसका टेम्परेचर है, देखिए ईस्ट है इसका। इसने जब इस जो रिएक्टर को स्टार्ट किया तो पहले 101 सेकंड में इस जो रिएक्टर है इसका टेम्परेचर कितना हो गया था? 216 मिलियन डिग्री, मींस 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था, जो सन से बहुत ज़्यादा है। और फिर अगले 20 सेकंड में इस रिएक्टर ने अपना टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर लिया? 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का कर लिया था। आपको बता दें कि सूर्य के कोर का तापमान से ये 10 गुना अधिक टेम्परेचर है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी बना रहा है, बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर है, इसीलिए ये चर्चा में, इसीलिए ये एक सन की तरह है, कंप्लीटली ये सन है, उससे भी ज़्यादा ये टेम्परेचर बना रहा है। अब देखिए, आपको बता दें कि सूर्य के कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता है। सूर्य के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन इसका टेम्परेचर देखिए 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा हो गया इससे। चीन के इस कृत्रिम सूर्य का नाम ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक है। जो ईस्ट है ये कोई डायरेक्शन का नाम नहीं है, इसकी फुल फॉर्म यही है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। अब आगे देखिए, अब आपको इसमें एक बात आई नाभिकीय संलयन। ये नाभिकीय संलयन होता क्या है? आपने जब अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है तो ये बात जरूर समझ में आएगी कि कोई भी दो नाभिक मिल के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। देखो किसे नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न किए बिना उच्च स्तर की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है संलयन की प्रोसेस के अंदर।
अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, इन्होंने क्या किया कि इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। सन में भी यही चीज़ है। देखो हाइड्रोजन है, उसके दो क्या होते हैं आइसोटोप होते हैं, एक तो ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है। दो आइसोटोप हैं, ये दो आइसोटोप हैं, इन दोनों को मिला के उन्होंने फ्यूजन करवाया। फ्यूजन करवाया तो हीलियम और न्यूट्रॉन के साथ बहुत भारी मात्रा में एनर्जी का जनरेशन हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बनी थी। तो अब देखो ये इसका इंटरनल एक तरह से जो जहाँ बन रहा है वहाँ का ये डायग्राम है जो पहले भी मैंने दिखाया था, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है एक तरह से। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि चीन देखो कुछ भी कर सकता है, मैंने अभी बताया। चीन अभी एक ही सन बना के नहीं रुकने वाला है, ये दो सन और बनाएगा। चीन को तीन सन बनाने हैं टोटल। तो पहला तो ईस्ट बना दिया, एक HL2A बनाएगा और एक HL2M नाम करके टोकाम एक करके ये एक और बनाएगा। इस प्रकार से टोटल ये तीन सन बनाएगा। ये सन बनाने की प्रक्रिया चाइना ने नहीं, ITER एक देखो क्या है ITER, ये बता देता हूँ, इसी से रिलेटेड है। 1985 1985 के अंदर 35 देश कंट्रीज ने मिलकर कसम खाई थी कि अपन एक आर्टिफिशियल सन बनाएंगे पेरिस के अंदर, जिसमें इंडिया भी शामिल था। 35 कंट्रीज के अंदर पेरिस के अंदर अपन एक सन बनाएंगे आर्टिफिशियल सन, जो काम अभी तक नहीं हुआ है। वो सन इसी बेस पे बनाने वाले थे, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के आधार पे जो चाइना ने बनाया, इसी बेस पे बनाने वाले थे 35 कंट्रीज मिलकर, लेकिन अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये अभी ऐसे ही चल रहा है। तो स्टूडेंट जो भी आपने मतलब इसमें जानकारी आप मैंने आपको दी है, ये सिर्फ इसी समझाने के लिए थी कि आपके नाभिक सेलेनियम और सन क्या है, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि ये चाइना ने जो सन बनाया है वो अपना जो नेचुरल सन है कुछ इस तरह से ही होगा, यहाँ कैसे होगा, तो ये बहुत कंफ्यूजेबल था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।